हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी डॉक्टर आयशा मलिक। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और नाउ आई डिस्कस द टॉपिक कंप्लायंस, विच इज़ द टॉपिक ऑफ द फिजियोलॉजी। कंप्लायंस होता क्या है? कंप्लायंस इज़ द एबिलिटी ऑफ द लंग्स एंड द थोरेक्स टू एक्सपैंड, और इट इज़ द एक्सपेंसिबिलिटी ऑफ द लंग्स एंड द थोरेक्स। कंप्लायंस हमारे पास वो होता है, वो क्या बता रहे हैं, इसकी डेफिनेशन बता रहे हैं कि हमारे पास लंग्स की एबिलिटी होती है, लंग्स की और थोरेक्स की, कि वो एक्सपैंड करे। एक्सपैंड वो तब करता है जब हमारे पास एयर इन होती है, ठीक है। उसके बाद उसकी उन्होंने एक और डेफिनेशन बता दी, इज डिफाइन एज अ चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन द प्रेशर। जैसे ही हमारे पास वॉल्यूम चेंज होता है, हमारे पास प्रेशर भी चेंज हो जाता है, उसको हम कंप्लायंस कहते हैं। इसकी उन्होंने सिग्निफिकेंस बताई है, सिग्निफिकेंस ऑफ डिटरमाइनिंग कंप्लायंस। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस सिर्फ यही है कि ये जो है हमारे पास मेजर करता है स्टिफनेस ऑफ द लंग्स, कि हमारे लंग्स की कितनी एबिलिटी है कि वो एक्सपैंड करें, या कितने वो स्टिफ हैं। इन सब को वो जो है ना वो डिस्कस करता है। इसके बाद उन्होंने बताया स्टिफनेस द लंग्स लेसर इज़ द लेस द कंप्लायंस, मतलब कि ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितने लंग्स स्टिफ होंगे उतनी कंप्लायंस कम होगी। कंप्लायंस क्या होती है? वो होती है एबिलिटी ऑफ द लंग्स टू एक्सपैंड, कि वो कितना एक्सपैंड करती हैं। अगर इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ बताई हैं, नॉर्मल वैल्यूज़ उन्होंने दो तरीके से बताई हैं, एक इंट्रा एल्वुलर और एक इंट्रा प्लूलर। इंट्रा एल्वुलर हमारे पास जो होता है वो एल्वोलाई में, एल्वोलाई जो लंग्स की होती हैं प्रेशर, उनमें प्रेशर बताना है। और इंट्रा प्लूलर, प्लूरा जो है हमारे पास दो तरह का होता है, एक विजिटल होता है और एक हमारे पास पेरिटल होता है। अब इसके इनकी उन्होंने नॉर्मल वैल्यूज़ बताई हैं लंग्स और थोरक्स के दरमियान। जो हमारे पास कंप्लायंस होता है वो 130 ml पर 1 cm H2O प्रेशर होता है, लेकिन जो हमारे पास सिर्फ लंग्स का होता है वो 120 होता है। इट मींस कि जो सिर्फ लंग्स हैं वो ज़्यादा कंप्लायंस रखते हैं एज़ कम्पेयर टू थोरेक्स और लंग्स का टुगेदर। उसके बाद उन्होंने इंट्रा प्लूरल रिलेशन बताया। इंट्रा प्लूरल का मैंने आपको बता दिया कि इसकी आगे टू टाइप्स होती हैं प्लूरा की, एक होती है विजिटल, एक होती है पेरिटल। अब इसमें भी उन्होंने दोनों तरीके से एक लंग और थोरेक्स का टुगेदर उन्होंने बताया है कंप्लायंस, और एक उन्होंने बताया है सिर्फ और सिर्फ लंग्स का। अब हमने पहले लंग्स और इसका देख लेना है, तो ये 100 है, और ये अगर लंग्स अकेले का बात करें तो ये 200 होगा। ये मैंने आपको बात पहले भी बता दी है। अब आगे उन्होंने बता दिया है इफ़ लंग्स कुड बी रिमूव फ्रॉम द थोरेक्स द एक्सपेंसिबिलिटी ऑफ द लंग अलोन विद द डबल। वो मैंने पहले भी बता दिया कि सिर्फ लंग्स का जो है वो कंप्लायंस वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लंग्स एंड थोरेक्स टुगेदर। अब आगे हम इसकी स्पेसिफिक कंप्लायंस पे आ जाते हैं। वो क्या कहते हैं, द टर्म स्पेसिफिक कंप्लायंस इज इंट्रोड्यूस टू असेस द स्टिफनेस ऑफ द लंग्स टिश्यूज। यहाँ हम सिर्फ लंग्स और थोरेक्स की बात कर रहे थे, और यहाँ पे हम लंग टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं मोर एक्यूरेटली। इसका उन्होंने एक फार्मूला बता दिया है, कंप्लायंस ऑफ लंग्स ओवर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। कंप्लायंस ऑफ लंग्स का तो मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर दिया है कि वो हमारे पास लंग्स की एबिलिटी है कि वो एक्सपैंड करते हैं, लेकिन फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है? वो हमारे पास वो कैपेसिटी है या वो रेजिडुअल कैपेसिटी है जब हम सांस ले लेते हैं, जब हम सांस बाहर एक्सपायर कर देते हैं, तो जो बाकी हमारे पास बचता है, जो हमारे पास लंग्स के अंदर, ये हमारे पास ये लंग्स हैं कि इस तरह, ठीक है। अब जैसे हमने एक्सपायर कर दी है, एयर एक्सपायर कर दी, इसके अंदर जो बच जाती है एयर, उसको हम कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, और ये तकरीबन होती है 2020 ml। आगे इसके टाइप्स बताएंगे, दो टाइप्स हैं, ये मैंने आपको इसकी बताई है कि ये इसकी इतनी कैपेसिटी रह जाती है लंग्स में जब वो एयर एक्सपायर कर देता है। आगे इसकी टू टाइप्स हैं, स्टैटिक कंप्लायंस और डायनामिक। स्टैटिक में हम आपको मैं ओवरव्यू देती चलूँ कि स्टैटिक कंप्लायंस में हमने बताना है कि हमने कंप्लायंस को चेकआउट करना है स्टैटिक कंडीशन में। स्टैटिक का मतलब होता है साकिन, बिल्कुल कह लें कि जो कि बिल्कुल साकिन हो, स्टेबल हो, उसको हम स्टैटिक कंडीशन कहेंगे। और इसमें जो है
व्हेन ब्रीथिंग डज नॉट टेक प्लेस, उन्होंने बात बता दी कि जब हम ब्रीथ नहीं कर रहे, ना हम इन लेके जा रहे हैं ना आउट कर रहे हैं, मतलब ना हम इंस्पायर कर रहे हैं ना एक्सपायर कर रहे हैं, उस कंडीशन में हम जब कंप्लेंस को चेकआउट करते हैं उसको हम कहते हैं स्टैटिक कंप्लेंस। और ये हम किसके ज़रिए चेक करते हैं ये भी मैं आपको सारा डिटेल में बताऊँगी, इस वीडियो में बताऊँगी। आगे दूसरी टाइप इसकी डायनेमिक, डायनेमिक में उन्होंने कहा है इज द कंप्लेंट्स मेजर ड्यूरिंग डायनेमिक कंडीशन। डायनेमिक कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है? ड्यूरिंग ब्रीथिंग, यानी कि इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन दोनों चीज़ें हो रही हैं, उसको उस कंडीशन को हम कहेंगे डायनेमिक कंडीशन, सॉरी एक्सपायरेशन। अब हम नेक्स्ट इसकी मेजरमेंट पे चलेंगे, पहले हम इसके वर्सेस देख लेते हैं। स्टैटिक कंप्लेंस और डायनेमिक कंप्लेंस में क्या फ़र्क है? इन हेल्दी सब्जेक्ट देर इज़ अ लिटल डिफरेंस, हल्का सा डिफरेंस आता है इन दोनों में। इन पेशेंट विद द स्टिफ लंग्स, वो पेशेंट जिसके लंग्स जो हैं वो बिल्कुल स्टिफ हैं, द डायनेमिक कंप्लेंस डिक्रीज, उसमें डायनेमिक कंप्लेक्स डिक्रीज होगी। डायनेमिक कंप्लेक्स वो कंप्लेक्स थी, मैंने आपको पहले बता दिया, जो हम ड्यूरिंग ब्रीथिंग कर रहे हैं वो वाली कंप्लेक्स उसमें डिक्रीज होगी, वाइल द लिटल चेंज कर इन द स्टैटिक कंप्लेंस, लेकिन हल्का सा चेंज आएगा स्टैटिक में भी, लेकिन डायनेमिक कंप्लेक्स बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद इसकी मेजरमेंट बता दी है स्टैटिक की और डायनेमिक कंप्लेक्स की। अब स्टैटिक की जो उन्होंने मेजरमेंट बताई है वो आपको मैं ओवरव्यू देती चलूँ। टू मेजर द स्टैटिक कंप्लेंस द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू एक्सपायर एयर पीरियडिकली एट रेगुलर। अब हम क्या कहेंगे पेशेंट को कि आप जो है वो अपनी एयर जो है वो इंस्पायर करें पीरियडिकली, मतलब कि जितनी वो रेगुलरली कर रहे हैं फ्रॉम आ स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर जो है वो मैं आपको अब बाद में जो है वो सारा डिटेल से स्पायरोमीटर का बताऊंगी कि स्पायरोमीटर होता क्या है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है और ये किस लिए होता है। और दूसरा उन्होंने हमारे पास ये सारा स्पायरोमीटर का ही बताया गया है कि अच्छा मैं अभी बता देती हूँ, स्पायरोमीटर हमारे पास जो है ना वो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है कह लें वो, उसमें जब हम एयर जो है वो इन करते हैं तो उसके अंदर 3 बॉल्स लगे होते हैं, रेड कलर की, येलो कलर की और ग्रीन कलर की, वो तीनों ऊपर चली जाती हैं जब अगर हमारे लंग्स जो है वो बिल्कुल सही वर्क कर रहे हैं। वो मैं आपको पूरी जो है वो मैंने डायग्राम्स बनाई हुई है, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। आगे हम इसकी प्रेशर वॉल्यूम कर्व की तरफ देखें तो ये देखें इंट्राप्लूरल प्रेशर, प्रेशर वॉल्यूम जो है ना ये कर्व है, यहाँ पे उन्होंने लंग्स का वॉल्यूम बताया है मिलीलीटर में और यहाँ पे इंट्राप्लूरल प्रेशर है सेंटीमीटर H2O में। ये देखें जब इंस्पायर करते हैं तो वो -4 से लेके 400 तक जाते हैं, लेकिन जब एक्सपायर करते हैं जब वो बाहर निकालते हैं तो वो ही 400 से दोबारा 0 पर आ। ये प्रेशर वॉल्यूम कर्व है। उसके बाद हम आ जाते हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी पे। अप्लाइड फिजियोलॉजी में इंक्रीज़ कैसे करते हैं कंप्लेंस, वो हमारे पास एज हो सकती है, एम्फिसीमा जो है एज जो है वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है और ये जो एम्फिसीमा है ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है। अब डिक्रीज़ कैसे करते हैं, डिफॉर्मिटी ऑफ थॉरक्स, तो अब थॉरक्स की कौन कौन सी डिफॉर्मिटी आ जाती है, लाइक हमारे पास ये काइबोसिस एंड ये वाली हमारे पास सारे डिजीज़। उसके बाद आप इसमें से 2 और बेशक कर लें, इतनी ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल, मसल जो है रेस्पिरेटरी मसल जो है वो जो है पैरालाइज हो जाते हैं। फिब्रोटिक पैरालिसिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लूरा रिजल्टिंग इन फाइब्रोसिस। एबनॉर्मल थोरैक्स, जब जैसे कि हमारे पास नीमोथोरैक्स, हाइड्रोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स और पायरोथोरैक्स। अब मैं आपको इसकी डिटेल जो है वो पूरी बता देती हूँ रजिस्टर से। ये देखें ये मैंने कंप्लेंट्स के इसके मैंने नोट्स बनाए हैं बहुत अच्छे तरीके से, आप इजीली जो है वो याद कर सकते हैं। अब ये मैंने कंप्लेंट्स के वही डेफिनेशन लिखी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसकी सिग्निफिकेंस लिखी है कि वो किस लिए होता है, वो हमारे पास स्टिफर द लंग्स एंड स्टिफर द एंड लंग्स लेसर द कंप्लेंस। अगर जैसे हमारे पास लंग्स जो है वो स्टिफर होंगे हमारा कंप्लेंस उतना ही जो है वो कह लें कि लो आएगा, इनका वाइस वर्सा क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आगे मैंने नॉर्मल वैल्यूज़ दोनों के लिखे हैं, इंट्रा एल्वुलर प्रेशर और इंट्रा प्लूरल प्रेशर, सही है। अब इंट्रा एल्वुलर प्रेशर जो है वो अगर लंग्स और थॉरक्स के साथ है तो 130 होगा, अगर अकेले लंग्स के साथ है तो वो 220 होगा। ये मैंने बात पहले भी बता दी कि अकेले लंग्स में हमारे पास प्रेशर ज़्यादा आएगा। उसके बाद ये देखें
इंट्राप्लूरल प्रेशर। इसमें लंग्स और थोरेक्स अगर इकट्ठे होंगे तो उनका प्रेशर कम होगा, और अगर लंग्स हो गए तो देखिए उसका डबल है, 200 ml/1 cm³ H2 प्रेशर होगा। अब इसकी स्पेसिफिक कॉम्प्लेंस की वही मैंने डेफिनेशन लिखी है कि हमने जब लंग्स टिश्यूज की बात कर ली है, और इसका मैंने वही फार्मूला लिखा है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये मैंने आपको पहले भी बता दी कि ये होती क्या है, कि वो होती है जो हमारे पास रेजिडुअल का मतलब होता है बाकिया, जो हमारे पास लंग्स के अंदर एयर जो है वो बाकी बच जाती है, और उसकी वैल्यू क्या होती है 2200 ml। आगे मैंने इसकी दो टाइप्स बनाई हैं, स्टैटिक और डायनामिक। अब जो स्टैटिक है वो स्टैटिक कंडीशन में होती है प्रेशर रिक्वायर्ड टू ओवरकम, और स्पायरोमीटर से हम इसको मेजर करते हैं। ये मैंने आपको बताया था, और स्पायरोमीटर की ये देखें, मैंने ये डायग्राम बनाई है, इधर दिखाएं जरा, ये देखें। अब ये रेड बॉल है, ये येलो बॉल है, और ये ग्रीन बॉल है। जैसे यहाँ से पेशेंट जो है वो जो है वो अपना लंग्स का चेकआउट करने के लिए स्पायरोमीटर, इसको हम स्पायरोमीटर कहते हैं, जैसे वो जो है एयर एक्सहेल या इनहेल करेंगे, तो रेड बॉल, अगर तो उनके लंग्स बिल्कुल परफेक्ट हैं, बिल्कुल सही हैं, तो क्या होगा, ये रेड बॉल ऊपर चली जाएगी, येलो बॉल ऊपर चली जाएगी, ग्रीन बॉल ऊपर चले गए। जब वो जो है वो एयर इन स्पायर कर रहे हैं, मतलब जब वो अंदर लेके जा रहे हैं, लेकिन जब हमने अगर चेक करना हो, जब हम अंदर लेके जा रहे हैं तब ये सारे बॉल्स ऊपर चले जाएंगे, लेकिन जैसे हमने उसका चेक करना हो, भाई ये इंस्पायर तो सही कर रहा है, लेकिन अब इसका ये चेक करना है कि एक्सपायर सही करता है या नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को उठा के उल्टा कर दें। अब जैसे इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, ये वाली इसका, ये इसकी फिर बेस हो जाएगी और ये इसका फ्लोर हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे रेड हो गई, यहाँ पे येलो, यहाँ पे ग्रीन, तो इन्होंने फिर इस तरफ मूव करना। तो अगर ये पूरी तीनों मूव कर दें, इट मींस के उसकी एक्सपायरेशन बिल्कुल दुरुस्त है, वो सही एक्सपायर कर रहा है, उसके लंग्स बिल्कुल ठीक है। अब उसकी मैंने इसके बाद अप्लाइड फिजियोलॉजी, ये मैंने आपको बता दिया कि ये इसकी जो है वो पैथोलॉजिकल कंडीशन है, और ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन, और ये इनकी डिफॉर्मिटीज़ बताई हैं, प्लूरल फ्यूजन, नीमोथोरेक्स, हाइड्रोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स, पायरोथोरेक्स, ये सारी जो है ना, ये इन चीज़ों की वजह से जो हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेंस जो है डिक्रीज कर जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।